अरे मैं आज वृंदावन में मुंगेर मंदिर है और मुंगेर वाले मंदिर के नाम से जाता है ये। मुंगेर महाराजा के द्वारा बनाया हुआ ये बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है और यहाँ पर एक होम्योपैथिक की एक चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क यहाँ दवाइयाँ सभी के लिए दी जा रही है, कैसा भी मरीज हो। और मेरे सामने में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं गुप्ता जी। मैं गुप्ता जी से ज़रा पूछूँगा कि आपको इस होम्योपैथी के लाइन में कितने समय से आप इस कार्य को कर रहे हैं? 10 साल से कर रहा हूँ मैं, विरासत चली आ रही है 1950 से। दादाजी, बड़े पापा, पापा जी, चौथी पीढ़ी हमारी है। कैंसर, 22 कैंसर अब तक ठीक कर चुका हूँ। ब्लड कैंसर में हाथ डाल चुका हूँ। थैलेसीमिया ठीक आधा ठीक कर चुका हूँ। एड्स 2 ठीक कर चुका हूँ। पैरालिसिस, किडनी स्टोन, अदर सर्दी खांसी जुकाम, अदर जो भी हो आ जाइए। अरे 3 दिन में पता चल जाता है कि रोग कैसे कवर करना। इनका कहना है कि कैंसर जैसे शरीर और HIV जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है HIV, और उसको भी इन्होंने कई मरीजों को ठीक किया है और बताया कि अभी कैंसर के 22 मरीजों को अभी तक आप ठीक कर चुके हैं, हैं 22। और जो जिनकी लास्ट स्टेज जो जाने वाले 10 दिन के मेहमान है, ठाकुर जी कैसी मेहमान हुई का वो एज ए जीनियस। देखिए यानी इनका जो अनुभव है अपना डॉक्टरी लाइन में, और ये आज से नहीं है, इनके पिताजी भी इसी लाइन में थे, इनके दादाजी भी इसी लाइन थे, कई पीढ़ियों से होम्योपैथिक लाइन में ही। आप ऐसे रहने वाले कहाँ से हैं? पटना से। पटना आप पटना बिहार से। शुभ नाम आपका? अरुण कुमार गुप्ता। अरुण कुमार गुप्ता जी, अभी आप मैं परिवार के वृंदावन में ही रह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये वृंदावन में सेवा भाव से ही आप वृंदावन में बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आशीर्वाद के भाव। अच्छा, मैंने देखा है कि आपने वृंदावन में आकर के संघर्ष भी बहुत किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किस तरीके का संघर्ष रहा है आपका? चलिए चलता रहता, दुनिया में तो है ही, उठा पटक तो चलता ही रहता, ऐसे कोई बात ना भाव। अच्छा, यहाँ आप कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? सबसे ज़्यादा यही इस मंदिर में देता हूँ 7 घंटे ड्यूटी, फिर एक जगह और 3 घंटे, एक जगह और 3 घंटे, 16-15 घंटा हो जाता है लगातार। यानी कि इनका कहना है कि मैं करीब 15-16 घंटे और इस सेवा भाव में लगा हुआ हूँ। वास्तव में मैं भी काफ़ी समय से इनसे जान रहा हूँ, करीब 8-9 साल तो मेरे को भी हो गई इनको देखते हुए, और काफ़ी समय से वृंदावन में सेवा भाव में ही लगे हुए हैं। और ये काफ़ी, देखो जरा इनको भी दिखाएंगे, यहाँ पर जो खड़े हुए बाबा, आप कहाँ से आए हो? गोदोलीपुरम। आप गोदोलीपुरम से, क्या तकलीफ है आपको? बवासीर की तकलीफ है। बवासीर की तकलीफ है, कितने दिन से दवाई ले रहे हैं आप? दवाई तो मैं 5 दिन से ले रहा हूँ। 5 दिन से दवाई ले रहे हैं, कुछ आराम मिला है? अभी तो कुछ नहीं मिला आराम, अभी कुछ नहीं। यानी ये लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, आपको आराम मिलेगा, आपको ऐसा विश्वास है? तभी तो आए दोबारा लेने के लिए। क्या नाम पड़ेगा अपना? रामदास। रामदास बेटा, आप कहाँ से आए हो? मथुरा से। आप मथुरा से आए हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? ब्रेस्ट में दर्द। कितने समय से दवाई ले रहे हैं? मैं अभी 15 दिन से दवाई ले रही हूँ। कुछ आराम मिला आपको? आराम मिला है मुझे। ये आप मथुरा से, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मधु है। मधु जी, आप देखो मथुरा से आए हैं, काफी दूर दूर से भी और लोग आ रहे हैं, आप भी कोई दूर से आया हुआ है यहाँ पर? ये पड़ोस के जी बता रहे हैं, ये पड़ोस के हैं, काफी लोग यहाँ पर, भीड़ भी काफी समय से, मैं भी करीब आधा घंटा हो गया मेरे को देखते हुए, और करीब 25-30 आदमियों की भीड़ यहाँ पर बराबर बनी हुई है, काफी लोग दूर। देखो ये भी आई है यहाँ पर, एक दफा अपना दिखा, जरा अपना चेहरा दिखा दें। इनको हंसी आ रही है, चलो ठीक है, हंसी आनी भी चाहिए।